नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर। ये लिखा नवंबर मंथ है किंतु इसमें होगा सितंबर और अक्टूबर का। ये समसामयिकी महासागर करंट अफेयर .com का प्रश्न है, 100 प्रश्न रहेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किशोर हैं? तो सबसे ज़्यादा किशोर हैं वो हैं गोवा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा किशोर हैं। सेकंड है कि प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है राजेश मल्होत्रा, कुलदीप सिंह धतवालिया, सीतांशुकर और के श्यामा प्रसाद। तो अभी हाल ही में कुलदीप सिंह धतवालिया ये नियुक्त किए गए हैं PIB के नए महानिदेशक, यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो को महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं कुलदीप सिंह धतवालिया। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 के प्रथम संस्करण के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में समग्र प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल क्या था कि ये जो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 का संस्करण जो हुआ था, पहला संस्करण, इसमें केरल का प्रथम स्थान था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सतह से सतह पर हमले के संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया? ऑप्शन है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, बी है कोच्चि, केरल, सी है बालासोर, उड़ीसा, डी है बेंगलुरु, कर्नाटक। इसका करेक्ट ऑप्शन है बालासोर, उड़ीसा। सी ऑप्शन इसका सही है, बालासोर उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया था। पांचवा है कि पहले भारतीय संगीतकार का नाम बताएं जिनके नाम पर माइनर ग्रह 2006 VP 32 का नाम रखा गया था। तो ये ऑप्शन है पंडित जसराज, हरिप्रसाद चौरसिया, किशोर अमोलकर, भीमसेन जोशी। तो अभी हाल ही में ये नाम रखा गया है जिस ग्रह का नाम है माइनर ग्रह 2006 VP 32, ये जो ग्रह रखा गया है वो रखा गया है पंडित जसराज के नाम पर। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जसराज सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने रैकेट क्लब ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित चैलेंजर ब्यूनस आयर्स 2019 टेनिस में पुरुष एकल खिताब में स्वर्ण पदक जीता। तो अभी हाल ही में ये जो पदक जीते हैं वो थे सुमित नागल। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुमित नागल ने भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने रैकेट क्लब ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित चैलेंजर ब्यूनस आयर्स 2019 का पुरुष एकल खिताब जीता था स्वर्ण पदक। सातवां है उस अभिनेता का नाम बताइए जो फिल्म शोले में कालिया की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। तो शोले फिल्म में कालिया की भूमिका निभाए थे वो थे विजू खोटे। विजू खोटे जो थे यही कालिया का भूमिका निभाए थे शोले फिल्म में। आठवां है लाल बहादुर शास्त्री राजनीति और परे नामक पुस्तक किसने लिखी जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के शुरुआती प्रभावों, राजनीतिक संघों और ऐतिहासिक फैसलों को दर्शाती है? तो अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राजनीति और परे नामक पुस्तक ये लिखे हैं संदीप शास्त्री। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, संदीप शास्त्री ने लाल बहादुर शास्त्री राजनीति और परे नामक पुस्तक लिखे हैं। अब नवां क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए उत्सर्जन व्यापार योजना ETS नामक भारत का पहला व्यापारिक कार्यक्रम शुरू किया है? तभी ये उत्सर्जन व्यापार योजना नामक भारत का पहला व्यापारिक कार्यक्रम शुरू किया है वो है मुंबई, महाराष्ट्र।
इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंबई ने अभी हाल ही में उत्सर्जन व्यापार योजना नामक व्यापारिक कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 2016 में अपने प्रसिद्ध काव्य संग्रह पक्की उट्टीटगीटलीट लेटते हुए एक ओर मुड़ते हुए के निर्माण के लिए 28वें सरस्वती सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है के शिव रेड्डी को। के शिव रेड्डी को ये सम्मानित किया गया है 28वें सरस्वती सम्मान 2018 से, के शिव रेड्डी को। तो नई दिल्ली में 77वें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर 2019 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया ये पुरस्कार? वो थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 प्रस्तुत किए थे। राजनाथ सिंह द्वारा कमीशन प्राप्त की गई भारत की दूसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। वो पनडुब्बी अभी हाल ही में INS खांदेरी था। तेरह नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप के मध्य क्षेत्र में उट्रेच विश्वविद्यालय नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए आठवें महाद्वीप का नाम बताइए। तो अभी हाल ही में आठवें महाद्वीप की खोज की गई है और उस महाद्वीप का नाम है ग्रेटर एड्रिया। ग्रेटर एड्रिया। अब है 14 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा देश अपनी अर्थव्यवस्था के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा के उपाय के रूप में पहली बार पर्यटक वीजा प्रदान करेगा? तो हाल ही में ये जो वीजा प्रदान करेगा वो होगा सऊदी अरब। पर्यटक वीजा पहली बार प्रदान करेगा सऊदी अरब। अब है 15 नंबर का क्वेश्चन कि क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 जीतने वाली भारतीय कंपनी का नाम बताइए। तभी हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 या किस कंपनी ने जीता? वो कंपनी थी इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस लिमिटेड ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 जीता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ का स्थान लेकर चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन कौन चुने गए? तो अभी हाल ही में चुने गए हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन, वो थे बिपिन रावत। बिपिन रावत अभी हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सदस्य चुने गए हैं, नए चेयरमैन चुने गए हैं। किस बाघ अभयारण्य में सांप की नई प्रजाति को ठाकरे कैट स्नेक वैज्ञानिक नाम बोईगा ठाकरे कहा जाता है जिसे तेजस ठाकरे ने खोजा था? तो वो था सह्याद्री बाघ आरक्षित। सह्याद्री बाघ आरक्षित। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान और राष्ट्रीय टीवी प्रसार सर्वेक्षण 2019 का शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान और राष्ट्रीय टीवी प्रसार सर्वेक्षण 2019 का शुभारंभ किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वर्ष 2019 के लिए 16वें ग्लोबल लघु और मध्यम उद्यम SME बिजनेस समिट का विषय थीम क्या था? तो हाल ही में जो ये उसका थीम था कि भारतीय MSMEs को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। इसका डी ऑप्शन सही है कि भारतीय MSMEs को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। अब है 20 नंबर का क्वेश्चन, पहले भारतीय का नाम बताइए जिसने न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड 2019 प्राप्त हुआ? वो थे पायल जांगीड़ जिन्होंने चेंज मेकर अवार्ड 2019 प्राप्त किया। इक्कीसवा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख के रूप में कौन चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप के प्रमुख के रूप में चुना गया है
वो हैं क्रिस्टालीना जॉर्जीवा, क्रिस्टालीना जॉर्जीवा थे जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख चुने गए हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में प्रणब मुखर्जी द्वारा जारी की गई रिसेंट रेगिंग इंडिया की आर्थिक विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हाल ही में जो ये पुस्तक लिखा गया है उसके लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने रिसेंट रेगिंग इंडिया की आर्थिक विरासत नामक पुस्तक लिखे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष रूप से पोलियो, हैजा और विभिन्न संचारी रोगों को खत्म करने के लिए टीकाकरण में देश की उत्कृष्ट सफलता की मान्यता में प्रतिष्ठित वैक्सीन हीरो पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये शेख हसीना को सम्मानित किया गया, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि वैक्सीन हीरो पुरस्कार 2019 शेख हसीना को मिला है इस बार। अब है नया क्वेश्चन कि भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सासेबो जापान में आयोजित त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है एंजास 2019, मालाबार 2019, मिलान 2019 और वरुण 2019। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार 2019, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि मंगोलिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पिछले 10 वर्षों में पहली बार भारत आए। तो अभी हाल ही में ये जो आए हैं वो हैं कुट्टामागिन बटुलगा, कुट्टामागिन बटुलगा। 26 नंबर क्वेश्चन है किस देश के मेगन रापिनो ने फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2019 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार 2019 जीता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है कि माधव आप्टे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे। तो माधव आप्टे ये जुड़े थे क्रिकेट से, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, माधव आप्टे क्रिकेट खेलते थे। 28 नंबर क्वेश्चन है कर रिटर्न का आकलन करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र नेक की स्थापना की है। तो इसकी स्थापना की है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी फिनलैंड यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है हेलसिंकी फिनलैंड में, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेलसिंकी फिनलैंड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है फिल्म गली बॉय के निर्देशक कौन हैं जिन्हें भारत से ऑस्कर 2020 फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जोया अख्तर, जोया अख्तर ये गली बॉय के निर्देशक हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि बैंक समय अवधि पूरी होने के बाद विफल लेन देन के दौरान जमा की गई राशि का निपटान करने में विफल रहते हैं तो बैंक को कितना मुआवजा देना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदिन 100 रुपये। 32 नंबर क्वेश्चन है किन्नव सरदार पटेल, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति को दिया जाएगा किन्नव सरदार पटेल। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देगा उसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार का शांति दिवस या विश्व शांति दिवस का विषय क्या था। वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस का विषय क्या था। तो ये विषय शांति के लिए जलवायु कार्रवाई, शांति के लिए जलवायु कार्रवाई।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। युद्ध लड़ने की अपनी क्षमताओं को परखने और बेहतर बनाने के लिए पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किए गए एकीकृत अभ्यास का नाम बताइए। तो इस अभ्यास का नाम है चांगथांग, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि लद्दाख में ये चांगथांग अभ्यास हुआ है। अब 35 नंबर क्वेश्चन, उस पहले भारतीय रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 30 मिनट के लिए स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस से उड़ान भरी। तो अभी हाल ही में जो उड़ान भरी है वो थे राजनाथ सिंह, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनाथ सिंह तेजस से उड़ान भरे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बोस्टन 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो अभी हाल ही में ये पुरस्कार जीता है नीना गुप्ता ने, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नीना गुप्ता ने ये पुरस्कार जीता है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बोस्टन 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अब 37 नंबर क्वेश्चन कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जीन एल अबिडीन बेन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु हो गया 83 वर्ष की आयु में। अब है नया क्वेश्चन कि टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स शीर्षक से प्रधानमंत्री मोदी की सचित्र जीवनी के लेखक कौन है? इसके इस पुस्तक के लेखक हैं राहुल अग्रवाल और भारती यश प्रधान। राहुल अग्रवाल और भारती यश प्रधान टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स नामक पुस्तक लिखे हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि मुंबई महाराष्ट्र में 2019 के लिए नेक्सा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA पुरस्कार के 20वें संस्करण में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? यह पुरस्कार जीता है राजी फिल्म ने। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक किसान विद्या दत्त शर्मा के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोतीबाग के निर्देशक कौन है जिन्हें ऑस्कर 2020 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये हैं मीरा नायर, मीरा नायर इसके निर्देशक हैं मोतीबाग फिल्म के। अब है 41 नंबर क्वेश्चन कि किस शहर में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब 42 नंबर क्वेश्चन किस पेमेंट बैंक ने भरोसा बचत खाता सेवा शुरू की है जिसके द्वारा ग्राहक 500 रुपये के न्यूनतम बैलेंस के साथ 5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता है? एयरटेल पेमेंट बैंक इसका सही ऑप्शन होगा। तो हाल ही में भरोसा बचत खाता सेवा शुरू किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट मुगाबे जिनका निधन 6 सितंबर 2019 को 95 वर्ष की अवस्था में सिंगापुर के एक अस्पताल में हो गया वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हाल तो ये राष्ट्रपति थे जिम्बाब्वे के, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे, सिंगापुर में इनकी मृत्यु हो गई है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में राशिद खान ने सितंबर 2019 में कप्तानी कर सबसे युवा टेस्ट कप्तान होने का गौरव प्राप्त किया, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के, राशिद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का कौन सा शहर रहने योग्य स्थानों की सूची में शीर्ष पर है? तो ये जो वियना देश है वो रहने योग्य स्थानों की सूची में शीर्ष पर है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि CBI ने साइबर अपराध जांच और साइबर फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2019 को कहाँ आयोजित किया? तो हाल ही में इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि CBI ने साइबर अपराध जांच और साइबर फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2019 को दिल्ली में
आयोजित किया था। अब है 47 नंबर क्वेश्चन कि 5 सितंबर 2019 को जारी जियो फाइबर सेवा संबंधी कथनों में कौन सा सही है। तो इसमें यह एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है, ये भी सही है, और है यह एक साथ 40 डिवाइस कनेक्ट करने में सक्षम होगी, ये भी सही है। सी है कि यह DTH TV आदि सुविधा के लिए उपयुक्त तो होगा, ये भी सही है। यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब है 48 नंबर का क्वेश्चन, RBI ने सितंबर 2019 में सभी बैंकों को 1 अक्टूबर 2019 से किस लोन को रेपो रेट के साथ जोड़ने का आदेश दिया। तो ये रेट इसमें था, होम लोन भी था, पर्सनल लोन भी था और ऑटो लोन भी था, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें सभी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 सितंबर 2019 को 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के मंच से रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु कितने डॉलर कर्ज देने की घोषणा की है। इसके लिए 1 अरब डॉलर देने की घोषणा की गई है। 50वां क्वेश्चन है कि इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर 2019 में किस शहर में किया जाएगा। इसका सम्मेलन किस शहर में किया जाएगा, वो शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप का आयोजन यानी कि सम्मेलन ये नई दिल्ली में किया गया था सितंबर माह में। अब है 51 नंबर का क्वेश्चन कि सितंबर 2019 में जारी स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल घोषित किया गया है। तो हाल ही में जो ये जो पुरस्कार मिला है, ये माता वैष्णो देवी मंदिर को मिला है रैंकिंग में पहला स्थान, स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग में। अब है 52 नंबर क्वेश्चन कि सितंबर 2019 में विश्व निर्वाचन निकायों के संघ के अध्यक्ष के रूप में भारत के किस निर्वाचन आयुक्त ने कार्यभार संभाला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा ने विश्व निर्वाचन निकायों के संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अब 53 नंबर का क्वेश्चन है कि साउथ एशियंस स्पीकर्स समिट का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ आयोजित हुआ। इसका आयोजन किया गया है माले में, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माले में साउथ एशियन स्पीकर समिट का आयोजन किया गया था सितंबर माह में। अब है 54 नंबर क्वेश्चन, साउथ एशियन स्पीकर से समिट संबंधी कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, चौथा समिट मालदीव के माले में सितंबर 2019 में संपन्न हुआ, ये सही है। बी है, समिट का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ये भी सही है। अब है सी ऑप्शन कि सतत विकास लक्ष्यों के कार्यों की निगरानी में यह समिट सहायक होता है, ये भी सही है। यानी कि इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 55 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास 2019 अमेरिका के वाशिंगटन में 5 से 18 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। वो था भारत और अमेरिका, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, कांगो फीवर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, सितंबर 2019 में इस फीवर के कारण राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया, ये भी सही है। बी है, यह बुखार CCHF वायरस के कारण फैलता है, ये भी सही है, पर यह बुखार का लक्षण डेंगू बुखार जैसा होता है, ये भी सही है। यानी कि इसका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर में चर्चित कांगो फीवर के प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन से हैं। तो इसके लक्षण थे, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, आंखों में जलन और रोशनी से डर, ये सभी था, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी।
किस माह को वर्ष 2019 में पोषण माह बनाने की घोषणा की गई है? तो वो था सितंबर माह। सितंबर माह को पोषण माह बनाने की घोषणा की गई है। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने कुल कितने टेस्ट मैच जीते हैं? ये था टोटल 28 मैच के टेस्ट मैच जीते थे विराट कोहली की कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने 3 सितंबर 2019 को T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो थी मिताली राज। मिताली राज ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब 61 नंबर क्वेश्चन कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाना है? तो फीफा 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कतर में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। पूर्वी आर्थिक मंच के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। ये सही है। वर्ष 2019 में इस मंच का 5वां आयोजन था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। ये भी सही है। और तीसरा है, यह मंच रूस तथा सुदूर पूर्वी टेगो के विकास तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाता है। ये भी सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, उपरोक्त सभी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2019 को अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किया गया, क्या भारत के अलावा अन्य किस देश में है? तो भारत के अलावा ये अमेरिका, मिस्र, इजराइल, इन तीनों के पास है। तो यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग ने 1 सितंबर 2019 को इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मतदाता सूची को बेहतर बनाना, बेहतर मतदाता सेवा प्रदान करना और आयोग तथा मतदाता के मध्य बेहतर संवाद बनाना। ये तीनों सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत मिशन के लिए किस देश में सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत मिशन के लिए सम्मानित किया जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी को किस योजना के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है? वो योजना है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2019 में जीडीपी के आधार पर जारी रैंकिंग 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त प्रदान किया गया है? तो यह स्थान प्राप्त किया गया है 7वां स्थान। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2019 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 99वां विकेट लेने के साथ ही विश्व का कौन सा गेंदबाज सबसे अधिक विकेट लेने वाला बन गया है? तो थे लसित मलिंगा। लसित मलिंगा थे जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 99वां विकेट लेने के साथ साथ ही विश्व का सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है वो थे बंडारू दत्तात्रेय। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि अमेरिका की प्रसिद्ध मैगजीन टाइम ने विश्व के 100 महानतम स्थानों की सूची जारी की जिसमें भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में अवस्थित है? यह स्थित है गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है गुजरात में, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है कि भारत के किस राज्य सरकार ने
27 अगस्त 2019 को सरकारी नौकरियों में 82% आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। तो है छत्तीसगढ़। बहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2019 को विश्व के किस देश का मानव रहित अंतरिक्ष यान सोयूज MS-14 का एक रोबोट लेकर अंतरिक्ष में पहुंचा? MS-14 एक रोबोट लेकर अंतरिक्ष में पहुंचा, यह है रूस। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 23-24 अगस्त 2019 को हुई UAE दौरे में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें, प्रधानमंत्री मोदी ने UAE के बाजार में रुपे कार्ड जारी किए, ये सही है, रुपे कार्ड जारी किया गया है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला संयुक्त अरब अमीरात UAE पश्चिम एशिया का पहला देश बना, ये भी सही है। और है व्यापारिक रूप से UAE भारत का तीसरा बड़ा साझेदार है, ये भी सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 74 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणविदों के चेतावनी के बावजूद 23 अगस्त 2019 को आर्कटिक क्षेत्र में दुनिया का पहला तैरता हुआ रिएक्टर किस देश ने लॉन्च किया? तो हाल ही में ये जो तैरता परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया है, यह है रूस में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 74 का बी ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को अगस्त 2019 में सम्मानित किया गया? यह है UAE। UAE ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को अगस्त 2019 में सम्मानित किया। 76 नंबर क्वेश्चन है कि असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई, जिसमें कितने लोग रजिस्टर में अपनी जगह बनाने में असफल रहे? तो 19 लाख से अधिक लोग रजिस्टर में अपनी जगह बनाने में असफल रहे, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 लाख से अधिक लोग। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि 45वां G7 देशों का शिखर सम्मेलन 24 से 26 अगस्त 2019 को कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो था वियरिट्ज में हुआ था इसका सम्मेलन। 7 देशों ने 45वां शिखर सम्मेलन में अमेजन वर्षा वन में लगी आग से निपटने में प्रभावित देशों की मदद के लिए कितनी राशि देने का ऐलान किया है? वो है 20 मिलियन डॉलर। 20 मिलियन डॉलर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त 2019 में घोषणा के पश्चात पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय किया जाएगा? वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 80 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घोषणा के पश्चात 10 सरकारी बैंकों का विलय कर कितने बैंक बनाए जाने हैं? ये हो जाएगा 4 बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2019 को किस सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को PMO में विशेष अधिकारी नियुक्त किया? यह है प्रदीप कुमार सिन्हा। प्रदीप कुमार सिन्हा को प्रधानमंत्री मोदी के PMO के रूप में नियुक्त किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने 29 अगस्त 2019 को गगनयान बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, इससे संबंधित कौन सा या कौन सा कथन सत्य है?
पहला है, यह 700 किग्रा विस्फोटक ले जा सकती है। ये सही है। यह 290 किलोमीटर तक मार कर सकती, ये भी सही है। इसे हथ 3 मिसाइल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक मनाली में बनाया गया है, जिसकी पुष्टि 29 अगस्त 2019 को हुई। इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह 9,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह 9,000 मीटर की ऊंचाई पर बने, ये सही है। ट्रैक की लंबाई 350 मीटर, ये भी सही है। और है कि यह अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौरासी नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? तो वो अभियान था फिट इंडिया अभियान, इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरंभ किया गया फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। 87 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने 27 अगस्त 2019 को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम, इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनी है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस धामी। एस धामी इसका सही आंसर हो जाएगा, एस धामी पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनी है। किस आईपीएस अधिकारी को तेनजिंग नारगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार जीतने वाली पहली आईपीएस हैं, ये हैं अपर्णा कुमार। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2019 को दिल्ली में द डायरी ऑफ मनु गांधी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक संबंधित है, यह पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है और यह महात्मा गांधी के भतीजी मनु गांधी से भी संबंधित है। यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 91 नंबर क्वेश्चन है, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के प्रिंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से अगस्त 2019 में सम्मानित किया? यह है बहरीन, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहरीन। बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी को। 93 नंबर क्वेश्चन है, RBI द्वारा भारत सरकार को दी जाने वाली अधिशेष हस्तांतरण संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। RBI ने अधिशेष हस्तांतरण हेतु विमल जालान समिति की सिफारिश को स्वीकार किया, ये सही है। दूसरा है, RBI भारत सरकार को लाभांश और अधिशेष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ प्रदान करेगा, ये भी सही है। 3 है,
समिति ने 14 अगस्त 2019 को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। ये भी सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, उपरोक्त सभी। 94 नंबर क्वेश्चन है, UNCCD काप 14 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2 से 13 सितंबर 2019 को किस देश ने की? ये था भारत, इसका भी ऑप्शन सही जाएगा। भारत ने UNCCD काप 14 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2 से 13 सितंबर 2019 को की थी। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये थे अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है, इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर TF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अगस्त 2019 में किस देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है? तो ब्लैक लिस्ट में जिसे डाला वो है पाकिस्तान, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाकिस्तान। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु की गई घोषणाओं में निम्न में कौन शामिल है? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल जोन पर सरचार्ज खत्म करना, ये सही है। स्टार्टअप्स के लिए एजेस टैक्स समाप्त करने की घोषणा, ये भी सही है। बैंक को 70,000 करोड़ रुपए पूंजी उपलब्ध कराना, ये भी सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 98 नंबर क्वेश्चन है कि NGO ग्रीन पीस द्वारा 19 अगस्त 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मानचित्र जनित सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश बना है, तो यह बना है भारत। भारत विश्व का सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश बना है। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में महिला ड्राइवरों को नियुक्त करने का फैसला किया है? वो है केरल राज्य। केरल राज्य ने सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में महिला ड्राइवरों को नियुक्त करेगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने नगर निकायों और मेयरों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा देने की घोषणा की है? यह है जम्मू कश्मीर। 2 दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।